हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी 30 डेज हेयर फॉल स्टॉप चैलेंज के ऊपर। हाँ मेरे भाई, तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़े होके गारंटी ले रहा है, अगर आपने ईमानदारी से पूरी वीडियो देखी। और इस वीडियो में 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आपने फॉलो किया तो आपका हेयर फॉल तो स्टॉप होगा ही होगा, हेयर ग्रोथ होगी, हेयर रिग्रोथ भी होगा। तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे भाई छोटी सी इत्तू सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आपको अपने हेयर को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है, डेली आपको एलोवेरा लगाना है, एलोवेरा का जेल निकालना है और अपने हेयर में नहाने से आधा घंटा पहले डेली यूज करना है। एलोवेरा कौन सा, घर वाला, प्लांट वाला, आपको प्लांट से निकालना है और अपने हेयर में अप्लाई करना है। ये करेगा क्या, आपकी हेयर को नरिश करेगा, हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इसलिए आप इसको डेली यूज कर सकते हो 30 दिन तक। अब बात करेंगे दूसरी टिप्स के बारे में, क्या ज्यादा गर्म पानी का यूज करना, आपको ज्यादा क्या कम भी नहीं करना मेरे भाई। आपको जब भी अपने हेयर धुलने हैं ठंडे पानी से धुलने हैं, ना कि गर्म पानी से। गर्म पानी से अगर आप धुलोगे तो हेयर की क्वालिटी खराब होगी, रूखे होंगे, सूखे होंगे, फिर डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम आएगी, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी 30 दिन तक जब तक ये चैलेंज में हो, मैं यही बोलूंगा कि अगर गर्म पानी के बहुत ज्यादा शौकीन हो तो मत यूज करो, सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी का यूज करो अपने हेयर को धुलने में। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बालों की देखभाल। हाँ मेरे भाई, अगर आप बाहर जा रहे हो सनलाइट में ऐसे निकल जा रहे हो, टोपी वोपी वगैरह पहन लो या हेयर को कवर कर लो, तो दो फायदे होंगे। एक तो आप सनलाइट से डायरेक्ट बचोगे और डस्ट जो आपकी हेयर और स्कैल्प में जाने वाली थी उससे आपके हेयर बच जाएंगे। तो ये तो हो गई हेयर को प्रोटेक्ट करने की बात। अब बात आती है ऑयलिंग करने की और शैम्पू करने की। तो यहाँ पे ऑयल आपको ऐसा यूज करना है जो आपकी हेयर में वाकई में मदद करे, ना कि ऐसे नाम मात्र का ऑयल कर रहे हो। और दूसरा शैम्पू भी ऐसा होना चाहिए जिसमें केमिकल वगैरह ना हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिगेन हेयर ग्रोथ कॉम्बो के बारे में, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सेसा का रिग्रेन हेयर ग्रोथ किट के बारे में बात की। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, उसमें ऑयल था और मसाजर था, बट अभी जो खास बात है इसमें मिक्स हो गया है शैम्पू, तो ये बन गया है कॉम्बो। कॉम्बो के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कंपनी है सेसा मेरे भाई वो 25 साल पुरानी है, तो ये अपने आप में भी बहुत अच्छी बात है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये क्लिनिकली प्रूवन है। हाँ मेरे भाई, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट मिले हैं ना वो साइंटिफिकली प्रूफ है कि हाँ ये हेयर फॉल को कम करते हैं, हेयर को अच्छा करते हैं। तो अब बात करते हैं इस कॉम्बो के बारे में। इसमें आपको मिलेगा हेयर ऑयल और एक मसाजर जो आपकी स्कैल्प हेल्थ को अच्छा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐड हुआ है वो है शैम्पू। अब बात करते हैं क्या क्या खास है इस शैम्पू के बारे में, क्या चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें है, 26 मेडिसिनल हर्ब है और 6 एसेंशियल ऑयल है। हाँ मेरे भाई, और इसमें आपको मिल जाएगा भृंगराज जो आपकी हेयर को बहुत अच्छा करेगा, हेयर को ग्रोथ करेगा, और त्रिफला भी आपकी हेयर को अच्छा करेगा, और आपको मिल जाएगा हिबिकस इसमें मिला हुआ, यानी कि गुड़हल, गुड़हल मेरे भाई, और आपको मेथी भी इसमें मिला। ये सारी चीजें इस शैम्पू में आपको मिल जाएंगी। अब बात करेंगे इसके फ्रेग्रेंस के बारे में। तो इसका जो फ्रेग्रेंस है मेरे भाई बहुत ही अच्छा है। यूज करने का सिंपल तरीका है, आप जैसे शैम्पू यूज करते हो वीक में 2 टाइम आप इसको यूज करो, 3 टाइम भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और नेचुरल है। ये तो हो गई शैम्पू की बात। मैंने आपको 30 डेज का चैलेंज दिया है, अगर आपको वाकई में रिजल्ट चाहिए तो आपको ये कॉम्बो पैक ट्राई करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा इसका ऑयल और ये शैम्पू और खासकर जो मसाजर है। अगर आपको लेना है ये रिगेन हेयर ग्रोथ कॉम्बो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप खरीद सकते हो। बात करेंगे चौथा जो कि है डाइट। डाइट में आपको रिच प्रोटीन डाइट लेनी है और अच्छे अच्छे विटामिंस मिले ऐसी आपको डाइट लेनी है, और ज्यादा बाहर की चीजें नहीं खानी है। फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, और प्रोटीन में अगर आप वेजिटेरियन हो तो मूंगफली खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, दाल पी सकते हो, एक कटोरी काफी चीज, चना खा सकते हो, और नॉनवेज में चिकन भी खा सकते हो, और एक भी खा सकते हो, एक में भी आपको प्रोटीन मिल जाएगी। तो डाइट का जरूर ध्यान रखना। अब बात करेंगे पांचवा, स्ट्रेस। हाँ मेरे भाई, चिंता। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी और आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको
स्ट्रेस नहीं लेना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन तो कर लिया, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी 30 से 40 मिनट डेली आपको 30 दिन तक करनी है। एक्सरसाइज कोई भी आप कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, और हेड स्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो सर्वांग आसन उसके जगह पे करो और व्यायाम करो। हेड स्टैंड क्या करेगा, आपकी स्कल्प ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, डीएसटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और सेम यही सर्वांग आसन भी करेगा। तो आप ये करना स्टार्ट करो, आपको अगर 30 दिन में आपकी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करना है तो। जो छठवां बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाकई में काम करने वाला है। 30 दिन तक जो चैलेंज मैं दे रहा हूँ मजाक नहीं है, 30 दिन तक आपको कोई भी केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट नहीं यूज करने जो इसमें केमिकल बहुत ज्यादा हो। आपको 30 दिन तक अपने हेयर को केमिकल से बचा के रखना है। अब बात करते हैं सातवां, जो कि लास्ट है डैंड्रफ। डैंड्रफ की भी केयर करनी है 30 दिन में, आपको डैंड्रफ को भी ध्यान दे के चलना है। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है डैंड्रफ के ऊपर, उसमें मैंने बताया क्या करके आप अपने डैंड्रफ को हटा सकते हो, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वीडियो देखने के बाद जाके देखना। और ये सब चीज़ें जो बताई है इसको 30 दिन तक करना, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, हेयर फॉल आपका कम होने वाला है और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बस ये थी वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और इस चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो कि हाँ भाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ इसको करना हो 30 दिन बाद इस वीडियो पे आना, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये थी वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपके भाई का वर्क पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का लाइक गेम ज्यादा नहीं, 2000 तुम्हारा रख रहा है, जल्दी से पूरा कर देना। मुझे पता है आप सभी बहुत प्यारे हो, ये लाइक गेम पूरा हो जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।